आज नंगला एहसानपुर गांव के एक युवक का शव आलीमेव गांव के पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। नंगला एहसानपुर गांव का 23 वर्षीय नौमान, जिसकी आलीमेव गांव में ससुराल है, बताया गया कि एक दिन पूर्व वह ससुराल गया था, उसके बाद वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके परिवार वालों को सूचना मिली कि उसका शव उसके ससुराल के घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका हुआ है। जब वो वहां पहुंचे तो गांव के लोगों की काफी भीड़ वहां पर मिली, पर ससुराल पक्ष के यहां से कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। नौमान के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है, पहले भी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मनमुटाव चल रहा। बेड़ापट्टी होडल में अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में जमीन मालिक व डीलर सहित दो के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। जिला योजना कार्यालय लगातार अवैध कॉलोनियों काटने वालों पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बेड़ापट्टी के रहने वाले इंद्रजीत व होडल के रहने वाले डीलर परशुराम के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। होडल में पुलिस ने 18 गोवंश को बंद बॉडी के कंटेनर से हसनपुर चौक से किया बरामद। गोवंश को भिजवाया मित्रौल गौशाला। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर यूपी से आने वाले कैंटर को पुलिस ने नाकाबंदी कर रोका, जिससे 18 गोवंश बरामद किए गए। बाद में उन्हें मित्रौल गौशाला में भेजा गया। पलवल कैंप थाना क्षेत्र में ड्रीम मॉल में चल रहे दर्जन भर सपा सेंटरों पर छापेमारी की गई। दर्जनों लड़के और लड़कियां भी पकड़े गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया। इस ड्रीम मॉल में करीब 12 सपा सेंटर की आड़ में गोरख धंधा चलाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने ऑन द स्पॉट मौके से गिरफ्तारियां की। होडल में कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पोर्टेबल अस्पताल की सुविधा शुरू करने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले 2 दिनों में करीब 18 कोविड पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है। डॉक्टर भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। पलवल नेशनल हाईवे पर बगौला स्थित पूजा फोर्ज के सामने एक युवक सड़क दुर्घटना में हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बेहोशी की हालत में इसको पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इसकी जाँच चल रही है। पलवल शहर के ओल्ड जीटी रोड स्थित विधायक दीपक मंगला के निवास का आंगनवाड़ी वर्करों ने किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। जानकारी देते हुए बताया गया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए वादों से मुखरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे वो भी अपने जीवन यापन को दुरुस्त कर सके।